हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंट्राडे स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज से पहले भी मैं कई सारी वीडियोस इंट्राडे स्ट्रेटजी के ऊपर बना चुका हूं और सारी स्ट्रेटजीज काफी बेहतरीन स्ट्रेटजीज हैं। आज की भी जो हमारी स्ट्रेटजी है काफी अच्छी स्ट्रेटजी होने वाली है, लाइव मार्केट के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। हम लोग खुद भी इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो कि इस स्ट्रेटजी के साथ एड ऑन होने पर बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। ठीक है, वीडियो में स्टॉप लॉस विद टारगेट सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं हम चार्ट के ऊपर, देखते हैं इस स्ट्रेटजी में क्या है और क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो गाइस, आ चुके हैं हम लोग अपने चार्ट के ऊपर। यहां मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट लिया हुआ है। यहां पर हम कोई भी चार्ट ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। ठीक है, यहां तक कि ये स्ट्रेटजी इंडेक्स में भी काफी अच्छा काम करने वाली। अब देखो है क्या स्ट्रेटजी, क्या है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। देखो, मार्केट हमारा शुरू हुआ 9:15 पे। अब आपको एक चीज देखनी होगी, हम लोगों को एक चीज देखनी है यहां पर, क्या मार्केट का जो भी मार्केट एक स्विंग हाई बनाएगा और स्विंग का लो बनाएगा, हम उसको मार्क करके रख लेंगे। ठीक है, अब देखो फिलहाल अगर यहां की हम बात करें तो हमारा जो स्विंग हाई है वो ये है, ये स्विंग है, ये हाई है। ठीक है, अब इसका स्विंग का लो क्या है, ये वाला लो है। ठीक है, तो हमने ये मार्क कर लिया, स्विंग का हाई, स्विंग का लो मार्क कर लिया। अब मैं एक टूल है हमारे पास, फिबोनाची। कौन सा फिबोनाची हमारे पास टूल है, ये देखो। अच्छा, अब मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा इसमें कैसे क्या यूज करना है। ठीक है, फिबोनाची को आप क्या करोगे, टॉप एंड से लेकर के, फिबोनाची का आप क्या करोगे, टॉप से लेकर के बॉटम तक लगा दोगे। लगा दिया। अब ठीक है, अब इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहां पर आपको चार पॉइंट्स दिख रहे होंगे, 0.236, 0.3, 0.5 और 0.618। ये चार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। अब इन्हीं के ऊपर हमारी स्ट्रेटजी है। ठीक है, स्ट्रेटजी किस तरीके से, ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। चलो मैं इसको पहले रिमूव कर लेता हूं। तो गाइज, मैंने ये रिमूव कर लिया। अब देखो स्ट्रेटजी क्या है, इसको आप ध्यान से समझना। ठीक है, एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको, ध्यान से समझना। देखो देखो, सबसे पहले हमारा क्या होगा, स्विंग का जो हाई होगा और जो स्विंग का लो होगा वहां पर हम जाके मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने यही किया, हाई से लेकर लो तक फिबोनाची मार्क कर ली। अब देखो यहां मुझे दिख रहा है एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, करेक्ट। तो डाउन ट्रेंड चल रहा है तो कभी ना कभी तो ये रिट्रेस करेगा। अब ये कहां तक रिट्रेस कर सकता है, इसके लिए हम यूज करेंगे फिबोनाची पॉइंट्स, जो कि हमारे ये चार पॉइंट्स बहुत ज्यादा यूज में आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, मार्केट ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद उसने रिट्रेसमेंट लिया 0.382 लेवल का, 0.382 लेवल। ये देखो यही लेवल है 0.382 लेवल, और यही से मार्केट ने एक रेड कैंडल फॉर्म करी। अब यहां से हमको पता लगता है कि ठीक है, मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:1.5 या 1:2 का टारगेट लेके मार्केट से निकल जाएंगे। देखो 1:1.5 या 1:2 सफिशियंट होता है, इसके ऊपर एक बिगिनर ट्रेडर को तो खासकर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वहां पर आपके फिर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो 1:1.5 पर ही रहो, मैं तो ये कहूंगा 1:1.5, या फिर अगर आप अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो 1:1.2 तक जा सकते हो, वो आपके रिस्क कैपेबिलिटी के ऊपर होता है। ठीक है, ये हमको मिला एक ट्रेड। अब देखते हैं, अब फिबोनाची का देखो, अब ये स्विंग बना लेकिन और मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, उसके बाद ये स्विंग का लो बन गया, देख रहे हो, फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, जैसे ही लो बनेगा हम वहां जाके फिबो को मार्क करके बैठ जाएंगे। फिबो हम ऊपर से ही मार्क करेंगे, ऊपर से नीचे तक हम मार्क करके बैठ गए। ठीक है भाई, हम कुछ नहीं काम करेंगे, हमने मार्क कर लिया। अब देखो अब क्या हुआ, दोबारा आप देखो 0.382 लेवल के पास आके ही मार्केट नीचे भाग रहा है। ये देखो 0.382 लेवल के पास आके ही मार्केट नीचे भाग रहा है, और मार्केट ने दोबारा यहां पर एक रेड कैंडल फॉर्म की, इसका मतलब है रिजेक्शन दोबारा से ले रहा है। ठीक है, इसके नीचे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ऊपर हमारा स्टॉप लॉस 1:1.5 या फिर 1:2 लेके हम निकल लेंगे मार्केट से। ठीक है, दो फिबो के ट्रेड्स दिखाए, दोनों स्विंग बन रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्विंग हमारा फेल हुआ हो, दो स्विंग बने, दोनों फिबो में काम किया, प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद फिर से आ जाओ। अब देखो क्या हुआ, अच्छा अब देखो क्या हुआ, हमने यहां मार्क कर लिया। ठीक है, यहां हमने मार्क कर लिया आकर के, चलो ठीक है। अब देखो 0.5 से मार्केट ने रिजेक्शन लिया।
ठीक है, कहां से हमें रिजेक्शन लिया, मार्केट ने 0.5 से यहां से रिजेक्शन लिया और यहां पर मार्केट फेल हो गया। देखो रेड कैंडल बनी, हम क्या करते हैं इसके नीचे स्टॉप लॉस लेंगे और इसके ऊपर का हमारा होगा स्टॉप लॉस 1:2 हमको मिल जाएगा, इजीली मिलेगा। लेकिन अगर हम ज्यादा लालच करते या स्टॉप लॉस बड़ा कर देते तो हमारा यहाँ लॉस हो सकता था, बट हम ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। देखो ये अगर एक हमारी कैंडल बन रही है, ये अगर ग्रीन कैंडल है, ये अगर ग्रीन कैंडल है तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, और अगर ये एक रेड कैंडल है तो इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, नीचे का टारगेट होगा। ग्रीन कैंडल है तो नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे ग्रीन कैंडल के और ऊपर टारगेट, ठीक है। अब देखो ट्रेड हमने एग्जीक्यूट कहां किया, इस रेड कैंडल पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया इस कैंडल के ऊपर, या फिर ग्रीन कैंडल के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है, और 1:2 या फिर 1:1.5 लेके निकल लो। तीन ट्रेड लिए, तीनों पास हुए, ठीक है। इसके बाद लेकिन आपने क्या देखा, ये तो 0.5 को तोड़ के भी ऊपर निकल गया, 0.6 को भी ऊपर निकल गया। इसका ये मतलब है कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा था अब वो अप ट्रेंड बन चुका है, अब डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, ठीक है, कट कर दिया हमने। अब स्विंग का लो देखो कहां से अप ट्रेंड बनना चालू हुआ है, यहां से। अच्छा यहां से बोलोगे क्या आप, यहां से बोलोगे, नहीं यहां से नहीं बोलोगे, यहां से बोलोगे बिकॉज यहां से मार्केट ने एक अलग मूव दिखाना शुरू कर दिया है, ठीक है भाई। हमने यहां से फीबो लगा लिया, यहां से फीबो लगा लिया, अब देखो ऊपर लगा लिया। अब देखो जब हम यहां पे लगाए, यहां तो के हमने देखो यहां तो हमने प्रॉफिट कर लिया था, बट देखो कि हुआ क्या, मार्केट ने 0.382 से रिजेक्शन लेके ऊपर भागा है। चलो भाई ठीक है, इसका मतलब अब ट्रेंड आ चुका है। चलो अब ऊपर का लगा लेते, यहां लगा लिया, यहां क्या हुआ देखो, एक अच्छा सा मूव नहीं दिख रहा। हालांकि ये 2.36 से रिजेक्शन लिया है, बट इसने 2.36 को भी नीचे काटने के बाद ग्रीन कैंडल बनाई। छोड़ दो ट्रेड को, छोड़ दो, जहां आपको कंफ्यूजन लगती है ना छोड़ दो, अगर मार्केट में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आ रही है ट्रेड को छोड़ दो, भूल जाओ उसको। चलो एक और दिन का मैं आपको दिखा देता हूं, पीछे आ जाता हूं मैं, एक और दिन दिखा देता हूं ताकि आपको इजीली अच्छे से दिख सके। रिमूव कर दिया मैंने सबको। अब देखो बताओ कहां है, कमेंट में बताओ, स्विंग हाई कहां है, स्विंग लो कहां है इसका, कमेंट में बताओ मुझे, कमेंट में बताओ। चलो जल्दी से, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऊपर से फीबो लगाया, यहां तक लगाएंगे सबसे पहले, यहां तक बिकॉज यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। 0.236 लेवल, 0.236 लेवल से मार्केट नीचे गया है। हमारा टारगेट वो सॉरी हमारा ट्रेड कहां होगा, यहां पर स्टॉप लॉस कहां होगा, यहां पर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बैठ रहा है कैंडल के ऊपर, बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस बैठ रहा है, 0.61 का स्टॉप लॉस है। ऐसे ट्रेड को छोड़ दो, स्टॉप लॉस अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है ट्रेड को छोड़ दो, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने नीचे तक लगा लिया, यहां कोई रिजेक्शन नहीं आ रहा, 0.382 पे एक रिजेक्शन आया, यहां पर 0.382 पर एक रिजेक्शन आ रहा है, यहां पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते, यहां पर स्टॉप सॉरी ट्रेड एग्जीक्यूट करते, स्टॉप लॉस लगाते कैंडल के ऊपर, टारगेट लेते 1:1.5 या 1:2, लॉस हो जाता, ठीक है भाई। चार ट्रेड ले चुके हैं, तीन चार ट्रेड हो गए हमारे जिसमें से एक हमारा लॉस हो गया, ठीक है चलता है, लॉस हो गया मतलब ये कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, ठीक है भाई। एक अप मूव आ गया है, एक अप मूव आ गया, अब ये डाउन ट्रेंड नहीं है, अब ये अप मूव में कन्वर्ट हो चुका है, छोड़ दो। फीबो लगाएंगे दोबारा से नीचे से इस लेवल तक, लगा लिया। अब देखो हुआ क्या, आपको दिख रहा होगा 0.382 से ही ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन गई, चलो ठीक है, ग्रीन कैंडल के ऊपर हमारा ट्रेड ये 0.23%, ठीक है, कैंडल के लो पे हमारा स्टॉप लॉस 1:2 इजीली मिलेगा प्रॉफिट, एक लॉस हुआ है अभी तक हमको, ठीक है, बाकी सारे प्रॉफिट ही हुए हैं। अब देखो ठीक है, फीबो हम ऊपर तक ले आएंगे, ये यहां पर ले आए। अब देखो 0.236 आप देख रहे हो, उसको भी नीचे काटा, यहां से टूटा, ये एक एग्जैक्ट अच्छे से नहीं बना हुआ, छोड़ दो छोड़ दो, कोई बात नहीं। 0.5 से एक मूव लिया, लेकिन ये एक रेड कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल नहीं है, छोड़ दो ठीक है, कंफ्यूजिंग है छोड़ दो, जहां आपको कंफ्यूजन लगे उस ट्रेड को छोड़ दो, ठीक है। मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया, अब ऊपर से लेकर के आ जाओ नीचे तक लगा लिया। अब देखो एक ठीक है, एक अच्छा मूव नहीं है, नहीं है एक कोई भी अच्छा सा सपोर्ट नहीं लिया है। अब ऊपर से हम लोग लगाते हैं, ठीक है, ऊपर से फीबो लगाएंगे पहले इस लेवल तक। अब देखो यहां लगाया, 0.5 से इसने रिजेक्शन लिया, रेड कैंडल बनी, ठीक है, हम इस यहां पर लेंगे ट्रेड और कैंडल के ऊपर हमारा होगा स्टॉप लॉस, इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट इजीली मिला। देखो मिल कितना जाता, अगर आप रुके रहते 3 बजे तक शाम तक, तो कितना मिलता एक बार देख लेते हैं हम लोग। ओके 1:2
1:20 वाओ सुपर्ब। लेकिन मार्केट ऊपर भी चला गया बट इतना कोई रुकता भी नहीं है, 1:2 लेके निकलो आप लोग, ठीक है 1:20 इतना कोई नहीं रुकता, चलो ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरा, देखो स्विंग का, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, दो चीज हमको ढूंढनी है। अब ढूंढो एक ये, नहीं ये उतना परफेक्ट नहीं है, ये गया ही नहीं, ये 2.36 तक गया ही नहीं, उससे पहले ही फॉल करके, ठीक है मार्केट में नहीं मिला। तो इसी तरीके से आपको फीबो लेवल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, बिकॉज फीबो लेवल्स की अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर काफी अच्छे से ये यूज होते हैं और काफी कारगर भी हैं, ठीक है। करना क्या है आप लोगों को, जैसा मैंने आपको बताया ये कुछ लेवल्स हैं इसके, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, ये कुछ लेवल्स हैं इसके 0.618, 0.5, 0.382, 0.236, इन पे ध्यान देना, ठीक है। इनसे अगर रिजेक्शन मिलता है, मतलब इनसे अगर रिजेक्शन, यहां मार्केट ऊपर आ रहा है ये रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब इस तरीके से जहां हमें अगर रिजेक्शन, देखो अब मैं आपको टिप बताता हूं, एक तरीका बताता हूं, देखो अगर मार्केट ने इसी लेवल से, जो ये एग्जैक्ट लेवल है ना, यहीं से अगर मार्केट फॉल कर रहा है, मतलब यहीं उसने रेड कैंडल बना दी, तो इस तरीके के ट्रेड काफी ज्यादा काम करते हैं। तो इसमें आप 1:3 भी ले सकते हो, इसके नीचे आप ट्रेड लोगे, ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होगा, 1:3 भी ले सकते हो इस तरीके के ट्रेड में, जहां पर एग्जैक्ट यहीं पर रेड कैंडल बन रही हो, ये 2.36 में हो सकता है, 2.382 में हो सकता है, 5 में, 6 में, किसी में भी हो सकता है। बट अगर एग्जैक्ट उसी जगह से रेड कैंडल फॉर्म हुई है, मतलब ये लाइन देख रहे हो, इसी कैंडल, यहीं से कैंडल बन गई है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल से दिखा देता हूं, ये देखो यहां पर एक रेड कैंडल बन गई, मतलब ये लेवल उसने क्रॉस नहीं किया है ना, और टच करके ही रेड कैंडल बना दी। तो इस तरीके के में हम 1:3 पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो एक आपको ₹1 गवाकर ₹3 आपको यहां पर प्रॉफिट हो सकता है, चलो ठीक है। तो आज की हमारी यही स्ट्रेटजी थी, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डीपली एक्सप्लेन किया, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आपका काम यह है कि इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो, फिर बैक टेस्ट करने के बाद देखो कॉन्फिडेंस आएगा आपको इस स्ट्रेटजी में, और बाकी मैंने और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी अपने चैनल पर डाल रखी, उनको भी देखो। तो उससे होगा क्या, आप जितनी स्ट्रेटजी देखोगे जो आपको अच्छी लगती है उसको बैक टेस्ट करो, ठीक है, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो उससे कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर बिल्ड हो जाता है ना, तो ट्रेड आप इजीली ले पाते हो। अब जब हम भी जब एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं तो सबसे पहले उसको बैक टेस्ट करते हैं, बैक टेस्ट करने के बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हैं उसकी काफी दिनों तक, ठीक है। जब हमको लगता है कि हाँ ये चीज काम कर रही है मार्केट के अंदर, तब हम उस चीज को यूज करते हैं और उसकी वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के फॉर्म में मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों का काम है इस नॉलेज को गेन करना। तो चलो अब मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, जो कि कल या परसों शायद पब्लिश हो जाएगी चैनल पर, तो उसको भी देखना ना भूलें, सारी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है हमारी। तो चलो मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।